प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन। जिला प्रशासन के माध्यम से, चिकित्सा मंत्रालय के माध्यम से हम लोगों ने निगरानी रखी और जितना हो सका, मैं नहीं कहता हूँ कि व्यवस्था में कोई कमी नहीं रही होगी, कि जितना हो सका हम लोगों ने उस कठिन समय में लोगों तक मदद, सहायता, खाद्य सामग्री, पानी पीने का सामान, सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट, जितनी सहायता कर सकते थे उतनी हमने करने की कोशिश करी। और मुझे खुशी है कि हम लोगों ने जब गाँव के अंदर इस कोरोना के महामारी से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए कदम उठाए, आप सब लोगों ने मिलकर इसका सहयोग किया, तमाम जनप्रतिनिधियों ने, तमाम एनजीओ ने, तमाम साथियों ने, हमेशा ने अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा। इस प्रकार हमें थोड़ा दूर बैठना चाहिए, गाँव में भी हमें निश्चित बनाना चाहिए। इतनी बार कहने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो पाते, इसका मुझे खेद। हम लोग स्वयं अगर जिम्मेदारी से काम करेंगे तभी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। आज तमाम आश्रितों से, जनप्रतिनिधियों से, पंचायत के हमारे जाने सबसे मुलाकात करकर मैंने आप लोगों की मांग पर पत्र आज इकट्ठे कर लिए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नौजवान साथी का, वीर चोलन की। वो क्या जयपुर से टॉप लाना पड़ता है तो 400 किलोमीटर पड़ता है, 400 मुझे मिल गए थे। मैं टॉप चलना चाहता हूँ, मैं कुशल हूँ। हम सब राम राम करके आते हैं, बहुत दिन हो गए। और पिछले दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उनके सामने, और आज देखकर पहली बार मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, तब आप लोगों से मिलने आया हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं हूँ, तब आपसे मिलने आया हूँ। लेकिन इससे पहले जब मैं आता था उससे 10 गुना ज्यादा लोग आगे थे। और मैं आपका आभारी रहूंगा कि आपने वोट दिया, मुझे जयपुर भेजा, अपना प्रतिनिधि बनाया, सरकार में मैं हिस्सा रहा। जितना हो सका हमने बापू के माध्यम से आपके काम किए, चाहे वो नरेगा के हो, पीडब्ल्यूडी के हो। पहले 19 कराए तो 20 कराएंगे आपको। हम सब लोगों ने राजस्थान के भविष्य के लिए आने वाले समय में हम लोग बहुत कामयाब कैसे होंगे, इस विषय में कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करकर पसीना बहाकर सरकार का निर्माण किया, उस विषय में जिन लोगों ने बिना किसी का पर्दा करे हर बार छोड़कर सड़कों पर संघर्ष किया, उनकी मेहनत को इनाम में धरे, इस विषय में तमाम सी बातें करी है दिल्ली में जाकर। मुझे बताते हुए खुशी है कि कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस की अध्यक्षा, तमाम साथियों ने, नेताओं ने मिलकर इस बात का संज्ञान लिया और आने वाले समय में एक बेहतर संगठन, एक बेहतर सरकार देने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, उस पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक बहुत जल्द एक कार्रवाई करके एक कमेटी का गठन किया। एक नए महासचिव राजस्थान को मिले हैं अजय माथुर जी के रूप में, उनसे मैं दिल्ली में परसों मिलकर आया। मैं समझता हूँ कि सत्ता संगठन मिलकर न सिर्फ टॉन्ग का पूरे प्रदेश का चौहों के विकास करने का संकल्प जो लिया, घोषणा पत्र में जो वादे किए किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, उन सब वादों को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन।